Hello friends, in this video, from transcription and phonetics point of view, I will discuss tricks of the sound m and tricks of the sound w. There are two w, one is w, second is w. One is w, second is w. So I will discuss tricks of w sound and m sound. So let's move to our topic. First of all, we will discuss the tricks of the sound m. इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं m. It's a nasal sound. तो ये कहाँ आता है? पहला ट्रिक क्या है? In the combination ng, अगर आपको combination ng मिल जाता है, कहाँ? At the end of any word. अगर किसी भी word के end में आपको ng मिल जाता है, तो ये ng क्या लिखा जाएगा? m. Nasal sound. जैसे मैं आपको example देता हूँ. K-I-N-G, तो इसको क्या बोलेंगे? King, K आ गया, और ये मैंने रूल आपको बताया था मेरी मोनोफोंग वाली वीडियो में, I आए, E की आवाज आए, तो छोटी E और N-G को क्या लिख देंगे? King, it's a king, it's not king, it's king, clear? एक और example देता हूँ, R-I-N-G, तो इसको हम R sound आ गया, फिर I आ गया, E की आवाज आ रही है, हमारा ये लगेगा, जो मैंने आपको ट्रिक्स बता रखा है, और ng लास्ट में आएगा तो क्या आ गया? Ring. तो king, ring. तो जब भी ng एंड में आएगा तो ये लगेगा. एक एग्जांपल और ले लेते हैं, wrong. तो इसको क्या बोलेंगे? Wrong. ये r से शुरू होगा, ये हमारा जो w है वो साइलेंट रहेगा. ये आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी वर्ड की बिगनिंग में w के बाद r दिया हो तो हमारा जो w होता है वो साइलेंट रहता है. र यहां पर कौन सा ओ लगेगा? छोटा लगेगा, जो मैंने आपको रूल बताया हुआ है मोनोफोंग वाली वीडियो में. ओ आए, ओ की आवाज आए, तो आपका स्मॉल ओ लगेगा. एनजी लास्ट में आ गया तो क्या लगेगा? ये लगेगा. क्या बन गया? रोंग. तो किंग, रिंग, रोंग, ये हमारा पहला रूल था. अब हम डिस्कस करते हैं हमारा दूसरा रूल कि यह कहां लगता है. नंबर टू, पहला रूल था एट द एंड ऑफ एनी वर्ड. अब इन द मिडल ऑफ एनी वर्ड, इन द मिडल ऑफ एनी वर्ड, कौन से वर्ड के मिडल में जो हमारा कॉम्बिनेशन है एनजी, ये हमारे को कौन सा साउंड देगा? साउंड कब देगा? इन द मिडल ऑफ एनी वर्ड, किसी वर्ड के मिडल में कब देगा? जब वो हमारा जो रूट हो, रूट और जिसे हम बेस कहते हैं, जो हमारा रूट हो, जो मेन वर्ड हो, रूट मैंने जो मेन वर्ड हो वो क्या हो? हमारी एक वर्ब हो. अगर हमारा जो मेन वर्ड है वो अगर हमारा क्या हो? एक वर्ब हो, तो वो उसके मिडल में भी, वर्ड के मिडल में भी एनजी क्या बनेगा? बनेगा. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एस आई एन जी आई एन जी, क्लियर? अब इसमें मेन वर्ड कौन सा है? एस आई एन जी, ये हमारा मेन वर्ड है, ये हमारा रूट है. आई एन जी क्या है? सफिक्स है. सफिक्स क्या होते हैं? जो पीछे लगते हैं किसी वर्ड के, हिंदी में उसे हम प्रत्यय कहते हैं. हमारा मेन वर्ड क्या है? एस आई एन जी. और एस आई एन जी क्या है? एक वर्ब है. तो एक वर्ब है, तो ये जो एन जी जो मिडल में आया है इसको भी क्या लिखेंगे? तो इसको क्या बनाएंगे? सबसे पहले स, आपको रूल बताया था, आई आई ई की आवाज आई, स्मॉल ई, बीच वाले को भी क्या लिखेंगे? फिर आई आया, ई की आवाज आए, स्मॉल ई, और एन जी, इसको लास्ट में तो आपको पता ही है क्या लिखते हैं? तो ये आपका क्या बन गया? सिंग. क्या बन गया? सिंग, सिंग, ठीक है, सिंग, सिंग. तो ये हमारा बन गया. एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, बी आर आई एन जी आई एन जी. अब इसमें भी हमारा जो मेन वर्ड है वो क्या है? बी आर आई एन जी. और बी आर आई एन जी भी क्या है? एक वर्ब है. तो वर्ब है, तो ये वाला बीच वाला एन जी भी क्या बनेगा? हमारा ब, र का साउंड लगा दिया, आई आई ई की आवाज है, ये बीच वाले को भी क्या बनाएंगे हम? फिर आई आई ई की आवाज है, ये वाला लगेगा, रूल मैंने बता रखे हैं, तो ये हमारा क्या बन गया? ब्रिंग गिंग, सिंग ब्रिंग. तो सिंग मिंग, तो ये लगेगा, ये बीच में आपके ये लगेगा. अब हम चलते हैं तीसरे रूल की तरफ, ये आपने रूल ध्यान रखना है. तीसरा रूल क्या कहता है हमारा, कि जो कॉम्बिनेशन है एनजी, ये बनता कॉम्बिनेशन एनजी से है, ये जो कॉम्बिनेशन एनजी है ये हमारा क्या बनाएगा?
ग, ग साउंड भी लगेगा इसके साथ। ये कब बनाएगा? अगर ये कहां आ जाता है, इन द मिडल ऑफ एनी वर्ड, इन द मिडल ऑफ एनी वर्ड, किसी वर्ड के मिडल में आ जाता है, और जो हमारा मेन वर्ब है, मेन जो हमारी जो वर्ड है, मेन जो वर्ड है वो क्या है, क्या नहीं है, नॉट वर्ब, वो क्या नहीं है, वर्ब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पिछले रूल में बताया था इन द मिडल ऑफ एनी वर्ड एनजी जो हमारा है साउंड कब देता है, अगर हमारा मेन वर्ड वर्ब हो। अगर किसी वर्ड के मिडल में एनजी आ जाता है तो ये प्रोनाउंस करेगा, अगर वो जो मेन वर्ड है वो वर्ब ना हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एफ आई एन जी ई आर, तो इसमें जो हमारा एफ आई एन जी है जो मेन वर्ड है वो कोई वर्ब नहीं है, तो वर्ब नहीं है तो बीच वाला जो एनजी है वो किसकी प्रोनंसिएशन देगा, ग। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, फ, आई आई ई की आवाज है, छोटा ई, अब ये किसी वर्ब नहीं है, ये मेन जो वर्ड है ये वर्ब नहीं है, तो ये बीच वाला क्या देगा, ये, क्लियर। और मैंने आपको बताया था किसी भी वर्ड के एंड में ई आर ए आर यू आर आर ई कुछ भी दे रखा हो तो वो क्या बन जाता है, श्वा, तो क्या बन गया, फिंग, तभी हम बोलते हैं फिंग, क्लियर, फिंग, इट्स नॉट फिंगर, इट्स फिंग, क्लियर। तो यहां स्ट्रेस लगेगा। एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे हमारा वर्ड जो हम सीख रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश, तो सबसे पहले ई आ रहा है, बताया था ई आई ई की आवाज आए, स्मॉल ई लगता है, ठीक है, फिर हमारा क्या लगेगा, ये जो हमारा मेन वर्ड है वो किसी वर्ब से नहीं बना, देन और एल, देन आई आई ई की आवाज है, छोटा ई, और ये क्या हो जाएगा, श, तो क्या बन गया, इंग्लिश, इंग्लिश, क्लियर, इंग्लिश बन गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल एंग, 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 एंग भी आप बना सकते हो, ए एन जी ई आर, तो हमारा क्या आ गया, मैंने आपको बताया था ए आई ए की आवाज आई तो क्या लगता है, बड़ा ए लगता है, ये कोई वर्ब से नहीं बना हुआ तो हमारा ये बन गया, किसी वर्ड के एंड में ई आर ए आर यू आर कुछ भी आ जाए तो वो क्या बन जाता है, श्वा, तो हमारा क्या बन गया, इंग। दे आपका थर्ड रूल है। कम टू द फोर्थ रूल ऑफ, फोर्थ रूल ऑफ ये कहां आएगा, ये बनता है अगर आपको कॉम्बिनेशन एन के मिल जाता है, एन के कहीं भी कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है तो ये बनेगा, ये क, ये हमेशा बनेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पी आई एन के, इसमें एन के आ गया तो पहले प साउंड आ गया, आई आई ई की आवाज आई, स्मॉल ई, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये, तो इसको क्या बोलेंगे, पिंक नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पिंग, पिंग, साउंड, नॉट न साउंड, पिंक नहीं बोलेंगे, इट्स पिंग। सिमिलरली आप और लिखिए, एक और एग्जांपल लिखिए, एल आई एन के, अब इसको क्या बोलेंगे, लिंग, इट्स नॉट लिंक, इट्स लिंग, ठीक है। सो पहले ल, देन आई आई ई के आवाज है, स्मॉल ई, देन न, एंड देन क, क्लियर, क्लियर। तो ये हमारा एग्जांपल है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, डी आर आई एन के, इसको क्या बोलेंगे, ड्रिंक, इसको क्या बोलेंगे, ड्रिंक, ड्रिंक नहीं है, ड्रिंक, ठीक है, ड साउंड, देन र साउंड, आई आर ई के आवाज है, ये, एंड देन, ये आपके चार रूल थे किससे रिलेटेड, साउंड से, कि ये कहां कहां आएगा। अब मैंने एक टॉपिक और आपके साथ कहा था कि मैं इसमें डिस्कस करूंगा, और वो था डिफरेंस बिटवीन व एंड व, वन इज व, सेकंड इज व, 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 तो इसमें क्या डिफरेंस है, ये हमारा जो इनमें दोनों व साउंड देते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, एक ही पॉइंट में ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इंग्लिश में वी दिया हो, वै की आवाज आए तो ये वाला व लगेगा, इसके अलावा किसी भी वर्ड में व की आवाज आए, व की आवाज आए तो हमेशा ये लगेगा। सिंपल सा रूल आई थिंक समझ में आ गया होगा, इंग्लिश में वी दिया हो, वै की आवाज आएगा तो ये वाला व लगेगा, ये वाला व तभी लगेगा जब आपको वी दिया होगा,
अगर वी नहीं दिया हुआ और कहीं भी व की साउंड आ गई तो ये लगेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वी ए एन, तो इसमें वी दिया हुआ है तो वी वाला व लगेगा। और मैंने मोनोफोंग वाली वीडियो में बताया था ए आई ए की आवाज है तो बड़ा ए लगेगा, क्या हो गया वैन, वैन, ठीक है, इट्स वैन, इट्स वैन, इट्स वैन, ये वाला व लगेगा, व, इनर पार्ट ऑफ द लोअर लिप एंड द अपर फ्रंट टीथ, इट्स वैन, इट्स वैन। कई बार बच्चे क्या बोलते हैं वैन, वो गलत होता है, वो ये वाला वो बोल देते हैं। ये वाला वो किससे बोला जाता है, दोनों लिप्स की सहायता से, लिप्स राउंड होते हैं, वो, वो, और ये वाला क्या होता है वो, वो, इनर पार्ट ऑफ द लोअर लिप एंड द फ्रंट टीथ अपर टीथ, तो वैन। तो आपको याद होगा वी दिया हो वह की आवाज आएगा तभी लगेगा, अदरवाइज कहीं और इंग्लिश में किसी भी वर्ड में वह की आवाज आई ये लगेगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं ओ एन ई, अब इसको बोले क्या बोलेंगे वन, वन, तो इसमें व कौन सा वो आएगा लिप्स से, दोनों लिप्स राउंड होते हैं, व, क्लियर। तो यहां पर हमारा ये वाला लगेगा। और आपको बताया था उ आए ए की आवाज आए मोनोफोंग वाली वीडियो में ये लगेगा न, और इंग्लिश में किसी भी वर्ड के एंड में ई तो बोला नहीं जाता, तो क्या होगा वन। एक एग्जांपल और देता हूं आपको, क्यू यू डबल ई एन, तो क्या बोलेंगे इसको क्वीन। अब यहां भी व की साउंड आ रही है और कौन सा व लगेगा व, ये वाला, वो वाला कब लगेगा जब वी दिया व की आवाज आए, तो क्व, क, व। और आपको बताया था डबल ई आए ई की आवाज आए तो क्या लगेगा लॉन्ग ई और न, क्वीन। एक और एग्जांपल लेते हैं डब्ल्यू एच ई एन, तो इसको क्या बोलते हैं वैन। अब यहां पर एच साइलेंट रहेगा, ध्यान रखना जब भी डब्ल्यू के बाद तुरंत बाद एच दिया होगा वो हमेशा साइलेंट रहता है, तो हमारा क्या आ गया व। आपको बताया था ई आए ए की आवाज आए मोनोफोंग वाली वाली ये लगेगा वैन। इसी प्रकार आप बहुत सारे और वर्ड बना सकते हो, वॉच, वेयर, क्लियर। तो ये डिफरेंस था ये व कौन सा व और व में, ठीक है, व और व में, क्लियर। तो ये है जब वी दिया हो व की आवाज दिया हो तो ये, अदरवाइज कहीं भी व की साउंड आ जाती है जैसे मैंने एग्जांपल दिया तो आपका। और ये ध्यान रखना इंग्लिश में जब भी क्यू यू आएगा वो हमेशा यही बनेगा, हमेशा क और व बनेगा। तो ये थे ट्रिक्स रिलेटिंग टू साउंड, नेजल साउंड एंड द व साउंड। सो आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सीखने को मिला है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो सो दैट अदर्स मे बी